गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। द नेम ऑफ योर चैप्टर इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। वॉट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होता क्या है? सो स्टूडेंट्स देखें, एलिमेंट्स जब काफ़ी सारे हो गए, ठीक है, जब नंबर में इनकी डिस्कवरी होती चली गई और क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी। क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जब बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए, उनकी स्टडी एक साथ कर पाना, उनको एक साथ याद रख पाना आसान नहीं था, तो इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है क्या। सो इट इज़ द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन सच अ वे डैट the elements with similar properties are placed together while the elements of dissimilar properties are separated। ये इस तरीके का एक systematic arrangement है जिसमें कि elements जो कि same properties के हैं, similar properties के हैं, वो एक साथ रखे गए हैं, जबकि जो elements हैं जो अलग अलग properties के हैं वो अलग अलग रखे गए हैं। क्यों हमें ज़रूरत पड़ी? What is the need for classification of elements? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की ज़रूरत क्या है? तो आज के टाइम पर हम बात करें, देर आर टोटल 118 प्लेसेज फॉर एलिमेंट्स और एंड 114 एलिमेंट्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड सो फार। अभी तक 114 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और 118 प्लेसेस तक वो रखे गए हैं। सो एट प्रेजेंट इट इज़ नॉट ईजी टू स्टडी द टास्क, उन सबको एक साथ पढ़ना आसान नहीं है। ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज़ इंडिविजुअली, एक एक की प्रॉपर्टीज़ याद रखना इतना आसान नहीं था, इसलिए उनको एक इस तरह से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करा गया उनका, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ ईजिली समझी जा सके, पढ़ी जा सके। सो इन ऑर्डर टू सिस्टमाइज द स्टडी ऑफ दोज एलिमेंट्स विच इम्प्रूव द कम्प्रीहेंसिव, इट वॉज नेसेसरी टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, इसलिए उनको क्लासीफाई करना इम्पोर्टेंट हो गया। अब हम बात करते हैं क्या अर्लियर अटैम्प्ट थे जो क्लासीफिकेशन के किए गए इससे पहले। सबसे पहले डोबेनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। डोबेनियर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जर्मन साइंटिस्ट थे, 1897 में इन्होंने कहा कि जब हम तीन ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के हैं उनको एक साथ रखते हैं, तो उनका जो ऑर्डर है उनको हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब हम अरेंज करते हैं, तो जो उनका दो पहला और आखिरी का जो एलिमेंट होता है, जो बीच वाला जो एलिमेंट है, उसका जो मास है वो उसके अरिथमेटिक मीन के इक्वल आता है, ठीक है। सो दिस लॉ वॉज गिवन बाई अ जर्मन केमिस्ट जे डब्ल्यू डोबेनियर इन 1871 विच स्टेट्स डैट वैन अ ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के हैं वो तीन एलिमेंट जब एक साथ आते हैं, जिनको क्या बोला, उन तीन एलिमेंट को उसने क्या बोला, ट्रायड, ठीक है, आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटोमिक मासेज, देन द एटोमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज़ फाउंड टू बी अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटोमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। फॉर एन एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर हमने तीन एलिमेंट लिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम और पोटेशियम इन दोनों को, इन तीनों को हमने क्या रखा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया। तो फर्स्ट और लास्ट वाले का अगर जो अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया जाए, तो 7 + 39/2 वो कितना हो जाएगा, 76/2 इक्वल्स टू 23। तो वो किसके इक्वल आएगा, बीच वाले एलिमेंट के मास के इक्वल, जो सोडियम का मास है 23, ठीक है। इसी तरह आप और एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, कैल्शियम, स्कैंडियम और बेरियम का, ठीक है, तो नियर अबाउट इक्वल आएगा, ये उन्होंने कहा। लिमिटेशन क्या थी, क्या कमियां रहीं? सो डोबेनियर कुड आइडेंटिफाई ओनली थ्री ट्रायड एज इट वॉज नॉट पॉसिबल टू अरेंज ऑल देन नोन एलिमेंट्स। वो केवल जितने भी उस टाइम पे एलिमेंट्स का हमें पता था उसमें से केवल तीन ही ट्रायड बना पाए, मतलब नौ ही एलिमेंट्स को ये सही से अरेंज कर पाए, बाकी जो अरेंज करने की कोशिश की गई तो वो गलत हो गया, ठीक है। सो उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड्स। न्यूलैंड ने अपना नया एक क्लासिफाई किया अपने अकॉर्डिंग, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने भी क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ही अरेंज किया एलिमेंट्स को। सो दिस लॉ वॉज गिवन बाय एन इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर रेनर न्यूलैंड इन 1866 विच स्टेट्स डैट वैन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटोमिक मासेज देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट
एलिमेंट, हर एक आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन एलिमेंट इज़ रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट, पहले वाले की तरह आठवें एलिमेंट की हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होने लगती हैं, ठीक है। इन द सेम जैसे कि म्यूज़िक नोट्स होती हैं, ठीक है, सारी गामा पादा नी, उसके बाद फिर से सा आ जाता है, तो सेम जैसे ही चलता ये रिपीट होता है वैसे ही इनकी प्रॉपर्टीज़ भी रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को। तो इनकी लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेशन ये थी कि एक तो अब तक आपको कैल्शियम ही ये एप्लीकेबल हुआ, उसके आगे नहीं हो पाया। दिस लॉ वर्कड ओनली विद लाइटर एलिमेंट्स, जो हल्के एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ ही ये वर्क कर पाया। इन्हें ऐसा लगा कि केवल 56 एलिमेंट्स ही रहेंगे, उससे ज़्यादा एलिमेंट्स का डिस्कवरी नहीं होगा। और न्यूलैंड्स इन सम केस पुट टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, सेम स्लॉट में भी उनको कुछ एलिमेंट्स को रखना पड़ा, ठीक है, जैसे कि कोबाल्ट और निकल को उनको एक ही स्लॉट में रखना पड़ा। तो ये कुछ उनके लिमिटेशंस थे। सो आज की क्लास में इतना ही, कल हम मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।